हैव यू हर्ड अबाउट स्ट्रॉबेरी लेग्स? क्या ये स्किन की कोई कंडीशन होती है या ऐसे ही कोई नाम दिया गया है इंस्टाग्राम लैंग्वेज के अंदर? नहीं, एक स्किन की कंडीशन होती है जो कि एक बहुत ही ब्रॉड अम्ब्रेला टर्म है, जिसमें आप तो आपके जब आप वैक्सिंग कराते हैं या आप शेविंग करते हैं, उसके बाद आपको कई बार छोटे छोटे से रेडिश ब्राउनिश कलर के बम्प से नजर आते हैं, और इस कंडीशन को कहते हैं स्ट्रॉबेरी लेग्स। तो फ्रेंड्स, हम लोग सब हेयर रिमूवल मेथड्स ऑप्ट करते हैं लाइक वैक्सिंग और शेविंग। व्हाई? टू गेट अ स्मूथ एंड शाइनी स्किन। लेकिन कई बार कुछ लोगों में हेयर रिमूव करने के बावजूद भी जो वहाँ की स्किन है वो स्मूदर या शाइनियर नहीं लगती है, क्योंकि वहाँ पे छोटे छोटे से उन्हें बम्प्स फील होते हैं। इसे हम ऑल्दो कहते तो स्ट्रॉबेरी लेग्स हैं, बट दिस इज अ मिसनॉमर, बिकॉज ये कंडीशन सिर्फ लेग्स पे ही नहीं बल्कि आपके आर्म्स पे भी हो सकती है, आपके बैक पे हो सकती है, आपके बटक्स पे हो सकती है। तो जहाँ पे भी इस तरह की कंडीशन अपीयर होती है, बट एक कॉमन टर्म में उसे कहा जाता है स्ट्रॉबेरी लेग्स। अब ये होता क्यों है? तो जब हम वैक्सिंग या शेविंग करते हैं तो जो हमारी हेयर फॉलिकुलर ओपनिंग होती है वो एक्सपोज हो जाती है। उसके अंदर अगर कुछ एक्यूमुलेट हो गया, जैसे कि डेड स्किन सेल्स इन द फॉर्म ऑफ केराटिन, या अगर वहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो करने लग गए, या फिर अगर आपका बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है, वहाँ पे ऑयल प्रोडक्शन बहुत बढ़ गया, तो इस कारण से वहाँ पर छोटे छोटे से बम्प्स बन जाते हैं। तो ये तो बात हुई कि ये होता क्या है, अब इसे ट्रीट कैसे किया जाए। तो सबसे पहली बात तो अगर आपको स्ट्रॉबेरी लेग्स डेवलप हो गए हैं तो हम उसे कम्प्लीटली क्योर नहीं कर सकते हैं, बट हम उसकी अपीयरेंस को कम कर सकते हैं, उसे लेसर विजिबल बना सकते हैं, आपकी स्किन को थोड़ा बेटर लुकिंग बनाया जा सकता है। लेकिन इसके अंदर फ्लेयर अप्स हो सकते हैं, मतलब एक बार ट्रीटमेंट के बाद हो सकता है आपको कुछ इंप्रूवमेंट नोटिस हो, लेकिन कुछ टाइम के बाद दोबारा उसके अंदर फ्लेयर अप हो सकता है, वो कंडीशन थोड़ी और ज़्यादा एपरेंट दिखाई दे सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं हेयर रिमूवल मेथड की। अगर आप शेविंग ऑप्ट करते हैं, विच इज़ परफेक्टली फाइन, लेकिन आपको कुछ स्टेप्स का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो शेविंग जो की जाती है वो हमेशा इन द डायरेक्शन ऑफ हेयर्स होनी चाहिए, अपोजिट नहीं होनी चाहिए, तो इससे आप प्रिवेंट कर सकते हो इस कंडीशन को। सेकेंड क्या होता है, अगर आप रेजर यूज़ कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि वो प्रॉपरली स्टरलाइज होना चाहिए। तो या तो आप डिस्पोजेबल रेजर यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आप रीयूजेबल रेजर यूज़ कर रहे हैं तो मेक श्योर दैट इट इज़ प्रॉपरली स्टरलाइज। एंड बेस्ट ऑप्शन ऐसे लोगों के लिए ये रहता है कि आप इन सब मेथड्स को छोड़ के लेज़र हेयर रिमूवल मेथड की तरफ जाएं, उससे आपकी स्ट्रॉबेरी लेग्स का अपीयरेंस काफ़ी हद तक कम हो सकता है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, अगर आपको ऐसी कंडीशन है तो आपको दो चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल, वहाँ पे फ्रिक्शन अवॉइड करना है। सेकेंडली, उस एरिया को मॉइस्चराइज रखना है। तो अगर आप वैक्सिंग भी कराते हैं या शेविंग भी करते हैं या अगर लेज़र भी करवा रहे हैं, तो उसके बाद अपने उस पार्ट को मॉइस्चराइज रखिए। दिन में 2 से 3 बार एक अच्छी क्वालिटी का मॉइस्चराइजर वहाँ पे यूज़ कीजिए। एंड हमें ऐसा लगता है क्योंकि ये उठे हुए बम्स की तरह दिखते हैं, तो लोगों को लगता है कि अगर उसके ऊपर स्क्रब किया जाएगा या फ्यूमिस्टोन या लूफा यूज़ किया जाएगा तो शायद वो क्लीन हो जाएगा। लेकिन होता इसका उल्टा है। आप वहाँ पर जितना फ्रिक्शन देंगे, जितना वहाँ पे ट्रॉमा होगा, उतना ये ज़्यादा दिखेंगे, ज़्यादा विजिबल हो जाएंगे, ज़्यादा हार्ड हो जाएंगे। तो आपको स्क्रबिंग तो करनी है, लेकिन फिजिकल स्क्रबिंग नहीं करनी है। आपको केमिकल एक्सफोलिएटर यूज़ करना है, जिसके अंदर हम कुछ केराटोलाइटिक एजेंट्स यूज़ करते हैं लाइक सैलिसिलिक एसिड। तो सैलिसिलिक एसिड क्या करेगा, वहाँ पे एक्सफोलिएशन तो करेगा ही सही, ऊपर की डेड स्किन को हटाने का काम करेगा, प्लस उसका थोड़ा सा एंटी इन्फ्लामेटरी रोल भी होता है। तो अगर वहाँ बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या इन्फ्लामेशन है तो वो इन्फ्लामेशन को थोड़ा सा कम करेगा। तो ये हो गया आप खुद क्या कर सकते हैं। अगर इतना सब कुछ करने के बावजूद भी आपको लगता है कि आप बेटर नहीं हो पा रहे हो और ये कंडीशन आपकी बिल्कुल वैसी ही है, इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं है, देन यू शुड कंसल्ट अ डर्मेटोलॉजिस्ट। आपके डर्मेटोलॉजिस्ट एक तो आपको ऑब्वियसली लेजर हेयर रिडक्शन के लिए कंसल्ट करेंगे, तो ऑब्वियसली यू शुड गो फॉर दैट। सेकेंडली, कई बार ऐसा होता है इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा होता है तो हमें कुछ ऐसी मेडिसिन यूज़ करनी पड़ती हैं उस इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए, या कुछ ऐसे केराटोलाइटिक एजेंट्स यूज़ करने पड़ते हैं जो ओवर द काउंटर अवेलेबल नहीं होते हैं, जो आपको खाली प्रिस्क्रिप्शन से ही मिल सकते हैं। सो ओवरऑल इस कंडीशन का एक डिसेंट मैनेजेबल ऑप्शन अवेलेबल है। पूरी तरह जड़ से नहीं मिटता है, क्योर नहीं होता इस कंडीशन का, लेकिन विथ प्रॉपर ट्रीटमेंट अंडर अ डर्मेटोलॉजिस्ट गाइडेंस आप इसे मैनेज कर सकते हैं। Oh, 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 oh,